बड़ी खबर इस वक्त की, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है, अब पंडित दीनदयाल स्टेशन हो गया है मुगलसराय स्टेशन। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने जारी की है अधिसूचना। चंदौली सांसद महेंद्रनाथ पांडे का प्रयास रंग लाया, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के प्रयास से ये नाम बदला है इसी रेलवे स्टेशन पर। 1962 में पंडित दीनदयाल की मृत्यु हुई थी, नाम परिवर्तन की अधिसूचना को आज जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल गया है, नाम परिवर्तन की अधिसूचना को आज जारी किया गया है, इसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। धन्यवाद महेंद्र जी, आपके अथक प्रयासों की वजह से आज मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया। आज हमारे देश के लिए और हमारी विचारधारा के लिए जी एक बड़ा ही स्मरणीय और बड़ा ही महत्वपूर्ण और गर्व करने वाला क्षण है कि जिनकी विचारधारा पर हम लोग कदम ब कदम अंत्योदय की योजनाओं को लेके हर गरीब के कल्याण के काम पर देश और प्रदेश में लगे हैं, जिन पर हमारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान की सरकार और देश के अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकारें काम कर रही है, उस विचारधारा के आधुनिक भारत में मौलिक प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका दुखद निधन मुगलसराय में हुआ था, उनके उस एशिया के सबसे बड़े जंक्शन को उनके नाम पर आज भारत सरकार ने और इसमें राज्य सरकार का भी स्वयं पढ़ के परम योगदान है, दोनों सरकारों ने मिलकर इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया है। हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए आज पंडित दीनदयाल जी के ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ गर्व और प्रसन्नता करेंगे जी। महेंद्रनाथ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब से आप लोग इसके लिए प्रयासरत थे और किस तरह से आपको ये बड़ी कामयाबी मिली कि आज ये नाम बदल गया। हम लोग इस पर शुरू से भारत सरकार में आग्रह करते रहे, विपक्ष की सरकारों में भी आग्रह करते रहे और जब 1991 में कल्याण जी की सरकार थी तब भी आग्रह हुआ और 97-98 में, लेकिन यह एक चंदौली की जनता का आशीर्वाद रहा, नेतृत्व के आशीर्वाद के बदौलत में चंदौली में चुनाव लड़ने गया और चंदौली की जनता ने जिस दिन से मुझे सांसद चुना, सांसद चुने जाने के दूसरे दिन से मैं इस दिशा में लग गया था और मुझे प्रसन्नता है जी कि हमारा और हमारे सभी विचारधारा के प्रमुख लोगों का और दोनों सरकारों का, संगठन के लोगों का संयुक्त प्रयास आज सफलीभूत हुआ और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उनके स्वर्गवास के स्थान को उनके नाम के साथ जोड़ के भारत में और दुनिया में एक अमर स्वरूप में कायम रखने में कामयाब हुए जी। इसके लिए एक बार तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। महेंद्र जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप लोग काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, जब आपकी सरकार नहीं भी थी तब भी आप ये कोशिश कर रहे थे कि इसका नाम बदल जाए, तो ऐसे में जब विपक्ष था सत्ता में तो उनकी तरफ से किस तरह की अड़चनें पैदा करी गई और तब आप लोगों ने किस तरह से प्रयास किए थे? विपक्ष ने इसमें कभी अड़चन नहीं पैदा की जी, बस हमारी अपील को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार नहीं किया जी। तो अब जब ये नाम बदल गया है तो आपको क्या लगता है इस पर विपक्ष क्या कह सकता है? नहीं नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह, ये सभी देश के सुनाम धन्य व्यक्तित्व थे, देश को इन लोगों ने बहुत बड़ा देश के लिए योगदान किया है, इस नाते विपक्ष भी इसे सकारात्मक रूप में लेगा ऐसा मेरा मानना है। तो महेंद्र जी, जब उनकी सरकार थी तब ये नाम क्यों नहीं बदला गया, ऐसी क्या वजह थी?
अब हर सरकार के अपने अपनी पहल अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। निश्चित तौर से अगर हमारी उस समय की अपील को स्वीकार करते तो मैं तो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी तो मैं जब रेल मंत्रालय से और भारत के गृह मंत्रालय से मेरी बात स्वीकार कर ली गई तो मैंने उन दोनों पत्रों के साथ श्री मुलायम सिंह जी को और श्री अखिलेश यादव जी को मिलकर भी निवेदन किया, लेकिन हमारा निवेदन स्वीकार नहीं हो पाया। जी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे महेंद्रनाथ पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने इसकी अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और आपको ये बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अब ये स्टेशन जाना जाएगा, जिसका नाम कभी मुगलसराय स्टेशन हुआ करता था, नाम इसका बदल दिया गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी रेलवे स्टेशन पर 1962 में पंडित दीनदयाल की मृत्यु हुई थी और उन्हीं के नाम पर अब इस स्टेशन का नाम रखा गया है और नाम परिवर्तन की अधिसूचना को आज जारी भी कर दिया गया।